ग्वालियर में पुलिस प्रशासन द्वारा शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में शहर के सभी धर्मों के प्रमुख एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि देश में हो रहे CAA के विरोध को देखकर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और सामाजिक एवं धार्मिक कार्यकर्ताओं द्वारा ये निर्णय लिया गया कि 24 दिसंबर तक शहर में धारा 144 लागू रहेगी, जिसके चलते शहर में कोई भी सामूहिक रैली या सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। सर, किस बारे में ये बैठक बुलाई गई थी आज यहाँ पे? ग्वालियर में परंपरागत रूप से हमेशा से आपसी भाईचारा, आपसी सौहार्द हमेशा बना रहा है। उस परंपरा को बनाए रखने के लिए हमारे शांति समिति के सभी सम्माननीय सदस्यों को आज हमने बुलाया था। सबसे विस्तार चर्चा हुई है, सभी लोग पूरी तरह से अपने इस प्रयास में लगे हुए हैं। बिना प्रशासन के कहे ही ऑलरेडी सब लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं कि ग्वालियर जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे और आपसी भाईचारे की जो फिजा है उसको हम बिगाड़ने ना दें। इसके तहत हम सभी लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि आगामी 24 दिसंबर तक किसी प्रकार के धरने, प्रदर्शन, रैली, आम सभा, इकट्ठे होने, इस प्रकार की गतिविधियों को अभी